लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए तथा लोगों में सुरक्षा के एहसास दिलाने के लिए एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे के नेतृत्व में सहजनवा थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए प्रमुख चौराहा से गुजरा। फ्लैग मार्च में स्थानीय पुलिस के अलावा एसएसबी के जवान भी मौजूद रहे। इस संबंध में एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया कि लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे लोगों को सुरक्षा का एहसास हो सके और लोग निश्चिंत होकर मतदान कर सकें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया। आज सहजनवा में एसएसबी की टीम के साथ फ्लैग मार्च किया गया। ये जो इलेक्शंस जो होने वाले हैं उसके संदर्भ में ये फ्लैग मार्च किया गया, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और एक समाज में भी एक संदेश जाता है कि पुलिस का एक्टिव होने का एक संदेश जाता है और बल प्रदर्शन का एक माध्यम है ये। बिल्कुल, लोकसभा के चुनाव को लेके लगभग पूरे जनपद में जितने भी थाना क्षेत्र हैं सभी में ये फ्लैग मार्चेस हो रहे हैं। आज सहजनवा में फ्लैग मार्च था।